नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि शराब जितनी ज़्यादा पुरानी हो उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती है। तो अगर हम इसको करियर से लिंक करके देखें या जॉब मार्केट से लिंक करके देखें, इसका कहने का मतलब है कि जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वो उतना ज़्यादा ऊँचे ओहदे पे होना चाहिए वो व्यक्ति। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में आप देखेंगे कि जॉब मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यू एज कंपनीज़ हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं होती। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि इस कंपनी के अंदर या इस सेक्टर के अंदर 40 साल के बाद कोई जॉब नहीं होती, 45 साल के बाद कोई जॉब नहीं होती। लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे पुरानी शराब की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो वो सेक्टर्स हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग या हार्डकोर फाइनेंस, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड जॉब्स हैं वो भी आती हैं। वहाँ पर जितनी ज़्यादा पुरानी शराब, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में, उतनी ज़्यादा सैलरी, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा मुनाफा, उतना ज़्यादा वहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने रिक्वेस्ट की कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकती हैं, आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए ताकि हम यहाँ पे जान सकें हमें आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पर यह बताया गया था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर काफ़ी जो इंडियंस हैं या इंडियन पॉपुलेशन जो कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में निवेश करने से कतराती है, केवल 1 या 1.5% जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स कम रहने की संभावना है। जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं वहाँ पे जो लोग हैं या जो निवेश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं वो स्टॉक मार्केट में देखते हैं। US यहाँ पे एक जीता जागता एग्जाम्पल है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, तो वहाँ पर आपकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई है, 60% तक वहाँ पर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन है। तो सेम सिनेरियो इंडिया में भी हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी, इसमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर वो केवल एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको 5 करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगा। एक छठी जो ऑप्शन है वो एक बोनस टिप के तौर पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी दर्शकों के सवाल हैं उसके बेसिस के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से स्टॉक मार्केट में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उनको मैं ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैं कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी ऑप्शन के ऊपर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊँ जिसको आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर हर एक करियर ऑप्शन के ऊपर मैं विस्तार से बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने केवल मुख्य बातें आज के इस वीडियो में मैं उनकी चर्चा करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक ऑप्शन के ऊपर मैं बहुत विस्तार से, मतलब उस करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी दूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज़ के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फ़ीस लेके दी जाती है उससे 1000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहली करियर ऑप्शन जो कि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होती है वो होती है दोस्तों कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये काफ़ी मुश्किल ऑप्शन होती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि केवल 15% रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे एक कड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है, आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में ट्रेडर या इन्वेस्टर
बन सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शन मैंने चुनी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट को सीख जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है, तो काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कंसिस्टेंटली हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अपने वीडियोज़ के द्वारा शेयर करता रहता हूं। अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लर्निंग की जर्नी है, तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित, उन सब की चर्चा मैंने की हुई है, उन सब के बारे में मैंने आपके साथ बातें की हुई हैं, उसके बारे में बताया हुआ है क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, किन किन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात इस करियर ऑप्शन की ये है कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, कोई भी पैसे कमा सकता है। जिसको समझ आ गई वो बहुत आसानी से पैसे कमा सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम इतनी पढ़ाई नहीं की हमने, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ आ गई। जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हो सकता है उनमें से किसी को ना समझ में आए, तो यहाँ पे ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आएगा ही आएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, या इसके बारे में सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। पैशन आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितनी लगन से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जिनको मैं जानता हूं, जो इस चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जिनको शायद ठीक से एक्सेल बनानी नहीं आती थी कुछ समय पहले, लेकिन उन्होंने आज एक्सेल के ऊपर अपने ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम बनाए हुए हैं। तो पैशन, लगन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेहनत, हार्डवर्क, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर। दोस्तों, यहाँ पे दूसरी करियर ऑप्शन जिसके बारे में आप सभी को मालूम होगा कि आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा सच कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप वहाँ पे अपना जो करियर है उसको बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और आपको SEBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनने के लिए। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। जैसा कि बाज़ार मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो हीरो हैं वो जहाँ पे जॉब करते हैं वो एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है, वो एक स्टॉक ब्रोकर होते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के अंदर। काफ़ी सारी ऐसी फर्म है, आपने देखा होगा कि कुछ नई कंपनीज़ भी आ रही हैं इस बिज़नेस के अंदर, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो यही है जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि आने वाले समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम रहता है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा या ये न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि पेटीएम जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर करने जा रहा है। तो इसी तरीके से और भी कई कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो कि इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको न्यूज़ में देखने को सुनने को मिला होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स आने वाले समय में जनरेट हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन की कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरी करियर ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की। ये जो है दोस्तों, ये फ़ी बेस्ड मॉडल होता है। यहाँ पे आप एक फ़िक्स फ़ी लेके फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस फील्ड के अंदर केवल वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है या बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस में देखेंगे, वहाँ पे जिसका सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है वो कामयाब हो जाते हैं उस फील्ड में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, या तो आपका नाम होना चाहिए मार्केट में, या आपका सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्लाइंट्स को लेके आ सके। और नॉर्मली ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा फैलता है या वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब ये एक तरीके का कंसल्टेंसी बिजनेस होता है मोस्टली। यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो आपकी सर्विसेज से खुश हैं, आपकी सलाह से खुश हैं, तो डेफिनेटली वो और क्लाइंट्स को रेफर करेंगे और इससे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा
ग्रो कर सकता है। आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शंस भी देख सकते हैं, आपने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज दी जाती हैं, तो आप इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं अगर आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे हैं, आप एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप अलग अलग जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना एक बहुत अच्छा करियर यहाँ पर बना सकते हैं। कंसल्टेंसी के अंदर आप बना सकते हैं, या आप बैंक्स के अंदर भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो आपने देखा होगा कि बैंक में भी जॉब कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं नॉर्मली उनके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी होता है, तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेबी का रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी होता है, तो आपको NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात की जाए तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है किसी फाइनेंशियल कंपनी में, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो भी फाइनेंस या कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है इसके अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो आप वो जो है सेबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर, ग्रेजुएशन आपकी फाइनेंस या कॉमर्स में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आप NISM का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वाला सर्टिफिकेट कोर्स जो है या एग्ज़ाम जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे अपना काम भी शुरू कर सकते हैं या आप जॉब भी कर सकते हैं। तो जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे कई बैंक्स जो हैं वो कुछ और क्राइटेरिया भी ऐड कर देते हैं, तो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के लिए आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों जो चौथी करियर ऑप्शन है, बेसिकली ये उन दर्शकों के लिए, काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि हम AMC के साथ कैसे काम कर सकते हैं, फ़ंड मैनेजर कैसे बन सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड के, या फ़ंड मैनेजर के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चौथी करियर ऑप्शन है वो है रिसर्च एनालिस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्विटी में रिसर्च की जाती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है बाय साइड रिसर्च, एक होती है सेल साइड रिसर्च। बाय साइड रिसर्च में आप उन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं जो लोगों का पैसा लेके निवेश करते हैं, तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर को हेल्प कर सकते हैं उसकी रिसर्च में, आप खुद फंड मैनेजर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक सिलेक्शन के अंदर काम कर सकते हैं, जो फंड मैनेजर का काम होता है वो मोस्टली स्टॉक सिलेक्शन का ही होता है। सेल साइड रिसर्च के अंदर आप इक्विटी या डेरिवेटिव सेगमेंट में जो भी रिसर्च करते हैं बेसिकली वो आप करते हैं ट्रेडर्स के लिए या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये जो दोनों टाइप की रिसर्च है इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से काम करना होता है। तो आप बाय साइड रिसर्च में जाना चाहते हैं या सेल साइड रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप किस तरीके से यहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब रिसेंटली मैंने चेक किया था कि कितने रिसर्च एनालिस्ट जो हैं इंडिया में रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये नंबर केवल 3 डिजिट में था। तो मुझे लेटेस्ट नंबर चेक करना पड़ेगा, लेकिन जब रिसेंटली चेक किया था तो केवल 3 डिजिट में था। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि बहुत टफ होता है रिसर्च एनालिस्ट बनना, इसका जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी थोड़ी टफ होती है, लेकिन बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ पे आप AMCs के साथ काम कर सकते हैं, आप फंड मैनेजर बन सकते हैं, काफ़ी लोगों का ख्वाब होता है, काफ़ी मुझे क्वेरीज आती है कि हम फंड मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ये जो है ये एक अच्छी करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। फंड मैनेजर की सैलरी कितनी होती है वो आप खुद जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मली MBA होना ज़रूरी है या CA या CFA होना ज़रूरी है। नॉर्मली ये जो क्वालिफिकेशन है ये बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, सेम फील्ड के अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं करता। तो यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपको रिसर्च एनालिस्ट बनने में सहायता
कर सकता है। तो आप इसके बारे में जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ कई बार और क्राइटेरियाज़ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल आपको बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट, बेसिकली वहाँ पे MBA, CFA या CA जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको रिसर्च एनालिस्ट बनने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे पांचवी जो करियर ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो मैनेजर की। दोस्तों ये सबसे टफ रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए या इस पर्टिकुलर रोल के लिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब रेलेवेंट एक्सपीरियंस, इसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है AMCs के अंदर, म्यूचुअल फंड्स जो बेसिकली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो अब आप सोचेंगे कि उनका काम क्या होता है। दोस्तों उनका काम होता है कि जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट का मतलब कि वो क्लाइंट्स के लिए काम भी कर सकते हैं या फंड हाउस के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाना रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख के। तो दोस्तों काफ़ी पेचीदा काम होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रहे हैं। यहाँ पे गलत जाने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी फंड मैनेजर या फंड हाउसेज होते हैं या जहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं उनका प्योरली बिजनेस जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर चलता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक बार नाम खराब हो गया तो वहाँ पर पूरा करियर चौपट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है या एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर के प्रोफाइल्स होते हैं वो नॉर्मली वहाँ पे कोई ऐसी जॉब नहीं निकलती। ये जो पोजीशंस हैं ये बेसिकली इंटरनली फिल हो जाती हैं, इंटरनली इन द सेंस के बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, रेफरेंस के ऊपर, या जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही सेलेक्ट हो जाते हैं। कंपनी को ये लगता है कि हमें यही कैंडिडेट चाहिए हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, या आप खुद भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप उसको फिल करते हैं, आपको नेसेसरी अप्रूवल या परमिशन मिल जाती है, तो आप देखेंगे कि जो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाता है वो लोगों का पैसा मैनेज करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो HNI क्लाइंट्स होते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपए निवेश की होती है। तो आप वहाँ पे खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर वाला काम होता है आपको वहाँ पे रिटर्न जनरेट करके देने होते हैं। तो ये जो जॉब है दोस्तों ये काफ़ी टफ है। मेरे हिसाब से जो पांचों करियर ऑप्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जॉब जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर की होती है। बाकी जॉब्स में भी स्ट्रेस रहता है। सबसे पहली जो ऑप्शन है, अगर आप खुद एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं वहाँ आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है, लेकिन वहाँ क्योंकि आप अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर आप दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, एक गलत मूव, एक गलत कदम पूरा करियर ख़त्म कर सकता है या पूरा नाम खराब कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप जाके देख सकते हैं। किसी ज़माने में वो कंपनी जो है एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाती थी, लेकिन कुछ गलत कदम लेने से या कुछ गलत मूव्स की वजह से उस कंपनी का नाम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये थी पांच करियर ऑप्शंस जो कि मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आप अगर काम करना चाहते हैं तो वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, खुद ट्रेड कर सकते हैं। तो मिक्स ऑफ सभी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको केवल जॉब करनी है या आपको केवल कंसल्टेंसी करनी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं एक बोनस टिप भी यहाँ दूंगा जिसको आप सिक्स्थ ऑप्शन कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली करियर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख गए हैं, आप समझ गए हैं, तो यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के अंदर जो भी गलत फहमी है स्टॉक मार्केट के निवेश को लेके वो दूर हो जाए। जैसे कि यहाँ काफ़ी लोग जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, ब्लॉग्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा,
उससे क्या है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसका अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए आप ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर लोगों को सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आने वाले समय में और ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इससे ये पूरा जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, तो उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। तो इससे क्या है कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने में मदद करेंगे, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है वो ये है दोस्तों कि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और कुछ लोगों की वजह से ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसका नाम खराब हो जाता है। यहाँ पे कुछ लालची लोगों की वजह से इस पूरे सेक्टर का नाम खराब हो जाता है, या इस पूरा जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जो कि एक बहुत रिलायबल तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का या एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का, कुछ लालची लोगों की वजह से, ग्रीडी लोगों की वजह से जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से इस सेक्टर का या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपने मान लीजिए स्टॉक मार्केट को अपना करियर बना लिया, पहली पांच में से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ कर ली और वहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के द्वारा, या अगर आप ब्लॉग चलाते हैं, या अगर आप यूट्यूब के ऊपर कुछ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी जो कि लोग इधर उधर से पढ़ के वहाँ पे कोई ब्लॉग लिख देता है, कोई वीडियो बना देता है या सोशल मीडिया में शेयर कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले बहुत कम लोग हैं इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस केवल वही शेयर कर सकता है जिसने यहाँ पे काम किया हुआ है, डेप्थ में काम किया हुआ है, जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, जो यहाँ पे पैशनेटली काम कर रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप यहाँ पे पैशनेटली काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आपको समझ आ चुकी है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, ताकि यहाँ पे जो एजुकेशन है इस फील्ड के बारे में, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट से संबंधित, यहाँ पे केवल किताबी ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना के बराबर है इस समय। तो जब आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इससे दूसरों को मदद मिलेगी, उनको अगर कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पे निवेश करने में, तो डेफिनेटली ये जो है इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है या इसका जो शेयर है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो इंक्रीज होगा और इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी कि वो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सही शिक्षा की ज़रूरत है, सही लर्निंग की ज़रूरत है, सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि बिना किसी ग्रीड के होनी चाहिए, बिना किसी लालच के होनी चाहिए, बिना किसी मतलब के होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको करियर ऑप्शन क्यों मानता हूँ, छठे नंबर के पॉइंट को, कि आप अगर पूरा इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ग्रो करने में मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं आपको कुछ बताता हूं, मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो सब लोग अगर मिलके सीखेंगे तो डेफिनेटली यहां पे हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे ग्रीड नहीं होनी चाहिए, यहां पे लालच नहीं होना चाहिए, यहां पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के यहां पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो भी पैसा कमाता है ट्रेनिंग देके, मेंटरशिप देके, अगर आपके पास कोई यूनिक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपने खुद इजाद की है, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, वहाँ पे आप मेंटरशिप या ट्रेनिंग करें समझ में आता है, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ ओपनली अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उसको थोड़ा सा आप मेकअप करके अपना प्रोग्राम रन करें, वहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस और कम होता है, तो ये लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बढ़ावा देने की बजाय इस फील्ड को ख़राब कर रहे हैं, इस सेक्टर को ख़राब कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करिए बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के। और अगर आप यहाँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप यहाँ प्रॉफिटेबल हैं। और मैं आपको फिर एक बात दोबारा कहना चाहूँगा, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, कि जो भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल है उसको और किसी इनकम के सोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इतना कमा लेंगे कि आपके दिमाग में और कोई आइडिया आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूँगा कि आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो हमारे और भाई बहन हैं उनको भी मदद मिले, वो भी इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकें। ये हमारा एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो के नीचे दिए गए लाइक आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियोस पसंद हैं, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यहाँ पर मेरी आपको कोई सजेशन सलाह नहीं है। अगर आप अपना करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी करियर काउंसलर की सलाह लीजिए। और यहाँ पे मैंने जो भी चर्चा की है वो केवल एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।